बार बार इस तरह से शराबबंदी के साथ इसको नहीं अटैच करने की आवश्यकता है। ये कुछ लोग सोसाइटी में है, रेप, मर्डर, डकैती, ये सब बैन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन फिर भी तो होता ही है ना। ये मालूम है कि सरकार इतनी सख्त है इस प्रदेश में ये शराब पीने के प्रति, तो आप जहरीली शराब क्यों पी रहे हैं? देश में जहाँ जहाँ शराब चालू है, शराबबंदी नहीं है, वहाँ भी जहरीली शराब से लोग मरते हैं। जहरीली शराब बनाने वाले एक डिफरेंट काइंड के सोसाइटी में लोग हैं। हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट पे बहुत प्रेशर है, उसको कैसे हम मिनिमाइज कर सकें, शराबबंदी कानून भी इफेक्टिव रहे और साथ साथ हम उसको मिनिमाइज भी कर सकें। कि जहरीली शराब से के कारण मौत हुई, हालांकि जिला प्रशासन स्वीकार नहीं कर रहा है इस बात को, किस तरह से? अभी हम लोगों के पास जो जानकारी है वो पुख्ता जानकारी नहीं है कि वो जहरीली शराब से मौत हुई है, इसलिए इसको ये कहना कि जहरीली शराब से मौत हुआ हमें लगता उचित नहीं है। लेकिन फिर भी अगर जहरीली शराब से भी मौत हुआ है तो ऐसा नहीं है कि एक हमारे, हम देखते हैं कि जब जब जहरीली शराब से कुछ घटनाएं होती हैं या मौत होती है तो हमेशा प्रेस के लोग उसको शराबबंदी से जोड़ते हैं। ये शराबबंदी से जोड़ने का मामला नहीं है। इस देश में जहाँ जहाँ शराब चालू है, शराबबंदी नहीं है, वहाँ भी जहरीली शराब से लोग मरते हैं। जहरीली शराब बनाने वाले एक डिफरेंट काइंड के सोसाइटी में लोग हैं, जो गंदे लोग हैं वो अब पैसा अर्न करने के लिए जहरीली शराब बनाते हैं और लोगों को, उनको ये नहीं पता होता कि ये जहरीली है, लेकिन जो बनाने का प्रोसेस है उसमें वो जहरीला होता है और जो लोग पीते हैं उनकी मौत होती है। और जब ये मालूम है कि सरकार इतनी सख्त है इस प्रदेश में ये शराब पीने के प्रति, तो आप जहरीली शराब क्यों पी रहे हैं? ये एक प्रश्न है ना। तो इसको बार बार इस तरह से शराबबंदी के साथ इसको नहीं अटैच करने की आवश्यकता है। ये कुछ लोग सोसाइटी में है, रेप, मर्डर, डकैती, ये सब बैन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन फिर भी तो होता ही है ना। तो शराबबंदी के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और हम सरकार, हम लोग सब लोग शराबबंदी के लिए लोगों को कॉन्शियस कर रहे हैं, जागृत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि और ज़्यादा से ज़्यादा जागृत करें। जितना ज़्यादा जागृत करेंगे उतना ज़्यादा लोगों को फायदा होगा, लेकिन फिर भी सोसाइटी में कुछ तरह के लोग होते हैं। अच्छा, अमेंडमेंट करने की भी तैयारी चल रही है, उसको, उस अमेंडमेंट को कैसे देखें, क्योंकि लगातार कुछ ना कुछ अमेंडमेंट हो रहा है? नहीं, अमेंडमेंट किया जा रहा है इसलिए कि बार बार न्यायालय के तरफ से, सुप्रीम कोर्ट के तरफ से भी ये बात आ रहा है कि जिस तरह का कानून है उस कानून में हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट पे बहुत प्रेशर है, उसको कैसे हम मिनिमाइज कर सकें, शराबबंदी कानून भी इफेक्टिव रहे और साथ साथ हम उसको मिनिमाइज भी कर सकें, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम अमेंडमेंट आया है। अच्छा, एक एनडीए गठबंधन परेशान है और बीजेपी पर लगातार अटैक कर रहे हैं, तो ये माना जा रहा है आरजेडी लगातार ये कह रही है कि मुकेश सहनी हमारे साथ आएँ, तो क्या लगता है, क्या परिस्थितियाँ बन रही हैं? देखिए, हमें तो ये लगता है कि मुकेश सहनी जी आज जो मुख्यमंत्री जी से भी कल मुलाकात उनकी हुई थी और उन्होंने अपनी बातों को मुख्यमंत्री जी के पास भी रखा है, तो हमको नहीं लगता है कि कहीं कोई दिक्कत है, कोई परेशानी। ठीक है।